हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 29 मई 2022। कल मंडे 30th मई से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा था मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूँगा टोटल 10 ऐसे शेयर जो कि कल जब शार्प 9:15 पे बाजार ओपन होगा, आप सभी का नज़र होना चाहिए ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड कुछ सेक्टर्स के ऊपर। कौन कौन सी शेयर के ऊपर, उसके पीछे क्या रीज़न है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी शेयर बाई और सेल करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नज़र रखने का सलाह दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं एक नोटिस के ऊपर। नोटिस है बेसिकली निफ्टी 50 का जो वेटेज वाला स्टॉक्स है। तो बेसिकली ये अपडेट आप देख सकते हो 29 अप्रैल, तो हर महीने की एंड की तारीख को दोस्तों ये अपडेट होता है, जो कि मई के महीने का जो अपडेट होगा वो कल होगा, मतलब 30 या तो 31 को ये नोटिस आ जाएगा। तो अभी तक तो नहीं आया, तो ये लास्ट महीने का है। तो लास्ट महीने के अनुसार आप देख सकते हो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 13% के थोड़ा सा कम 12.86% का वेटेज है। उसके बाद HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, ICICI बैंक या HDFC, ये 5 शेयर के ऊपर दोस्तों आपका नज़र सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये 5 शेयर में सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 का। मार्केट के अंदर अगर मूव हुआ ये 5 शेयर का दोस्तों, कुछ ना कुछ हाथ जरूर आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, लार्सन एंड टुब्रो एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसको भी आपका नज़र होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जैसे कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर हो जाता है आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका बैंकिंग या नॉन बैंकिंग यानी NBFC दोनों ही इंक्लूड हो जाता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35% से थोड़ा कम 34.82% का वेटेज है। उसके बाद दोस्तों IT सेक्टर, तो ऑब्वियसली IT सेक्टर के ऊपर नज़र होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट कुछ समय से IT सेक्टर के अंदर ही हमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कल नज़र रखने के लिए। तो दोस्तों, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स या कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हो गया। अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअल शेयर्स को। सबसे पहले शेयर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर तो हम सभी का नज़र जरूर होना चाहिए, जहाँ पे लास्ट 5 दिन पे हमने देखा था मार्केट के अंदर एंड की 2 दिन पे थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था थर्सडे एंड फ्राइडे। उसके बावजूद भी आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में कोई बहुत बड़ा रिकवरी देखने को नहीं मिला, वो भी निफ्टी 50 का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कंपनी है और उसके साथ साथ इंडिया का इंडिविजुअल लार्जेस्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। डेफिनेटली दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर हम सभी का नज़र रहेगा कल जब शार्प 9:15 पे बाजार ओपन होगा। नेक्स्ट शेयर दोस्तों हमारे इसमें IRCTC। IRCTC दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कल के लिए, क्योंकि कल 30 मई को कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, और इस बार अच्छी बात यह है कि कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों जब भी कंपनी का रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। IRCTC भी हमने देखा लास्ट कुछ समय से, स्पेशली 1 महीने पे शेयर बहुत हद तक गिर चुका है, जो कि कुछ टाइम पहले भी शेयर ऑलमोस्ट 620 तक पहुंच गया था, मतलब मैसिव डाउनफॉल हुआ है IRCTC के शेयर के अंदर। उसके पहले से हमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिला, जहाँ पे शेयर ऑलमोस्ट एक टाइम पे 900 तक पहुंच गया था, वही देखिए आज की डेट पे 30% की गिरावट। इवन अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से, तो ऑलमोस्ट शेयर आज की डेट में आधा के आसपास हो चुका है। तो डेफिनेटली दोस्तों IRCTC के ऊपर भी हम सभी का नज़र होगा कल के लिए। नेक्स्ट शेयर दोस्तों LIC को कैसे भूल सकते हैं, कल जो कि बहुत पुराने नहीं, रिसेंटली मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ LIC IPO आया था, कुछ खास तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद भी हमने देखा शेयर के अंदर लगातार गिरावट हुआ। तो दोस्तों कल वही LIC का जो कि Q4 का रिजल्ट, साथ में इस बार LIC भी डिविडेंड देगा। तो सारे व्यूअर्स को बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा देना और साथ में ऑल बटन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्योंकि आज की डेट पे जो YouTube है, YouTube का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है नोटिफिकेशन का, जिस वजह से दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। LIC के ऊपर भी दोस्तों हम सभी का नज़र आएगा कल की डेट पे, कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो बहुत तेज़ी या तो बहुत ज़्यादा गिरावट। ट्राइडेंट लिमिटेड को कैसे भूल सकते हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड का भी कल क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों कल बहुत सारा कंपनीज का रिजल्ट आउट होगा, क्योंकि मे की ऑलमोस्ट एंड होते जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अभी सब कंपनी ऑलरेडी ऑलमोस्ट रिजल्ट आउट हो चुका है, बड़े छोटे कंपनीज का, एक दो कंपनी मतलब कुछ कंपनी यहाँ पे रह गया है कुछ बड़े कंपनीज। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का भी क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा, तो डेफिनेटली इस बार रिजल्ट अच्छा आने का चांस है, क्योंकि लास्ट बार भी हमने देखा था कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। इवन जहाँ पे दूसरे कंपनी मार्जिन इशू चल रहा था, वही देखे ट्राइडेंट के अंदर कोई भी मार्जिन देखने को, मतलब इशू देखने को नहीं मिला। तो डेफिनेटली दोस्तों ट्राइडेंट का शेयर भी लास्ट 1 महीने पे बहुत हद तक गिर चुका है, तो ट्राइडेंट के ऊपर भी हम सभी का नजर रहेगा कल की डेट पे। नेक्स्ट शेयर दोस्तों हमें इसमें जुबिलेंट फुटवर्क के अंदर भी नज़र आएगा। कल जुबिलेंट का भी Q4 का रिजल्ट आउट होने जा रहा है, और जुबिलेंट के अंदर जितना कम बोल उतना, मतलब क्या बोलूँ, तो देखिए इतना ज़्यादा गिरावट हो चुका है लास्ट 6 महीने पे। शेयर चल रहा था कहाँ पे देखिए 700
80 के ऊपर, याद होगा आपको। उसके बाद देखिए शेयर के अंदर जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, 40% की मैसिव डाउनफॉल हुआ, और ये कोई छोटे मोटे डाउनफॉल नहीं, जुबिलेंट फूड बहुत बड़ा कंपनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ टाइम पहले जब CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो रेजिग्नेशन लेटर आया, उसके बाद ही ये जो भयंकर गिरावट हमें देखने को मिला था, और उसके साथ साथ मार्केट जो कि नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा था वो तो और एक साथ ट्रिगर कर दिया। डेफिनेटली दोस्तों बहुत लोगों के पास शेयर है, एक ही बात बोलूँगा, होल्ड कीजिए। बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बाई सेल करने का रिकमेंड नहीं करूँगा, सिंपल कल जब मार्केट ओपन होगा नज़र जरूर रखना जुबिलेंट के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो कल दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट आउट होगा, इसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ये सारे अपडेट आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखना। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है, जो कि लास्ट कुछ समय से डिक्सॉन के अंदर भी लगातार गिरावट हुआ था। इसके पहले लग रहा था 4000 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल यहाँ पे जो कि एक सपोर्ट लग रहा था, उसके बाद देखिए शेयर गिरते गिरते ऑलमोस्ट 3300 तक पहुँच गया था। अभी धीरे धीरे शेयर के अंदर लास्ट डेबी हमने देखा था थोड़ा थोड़ा करके रिकवर आना स्टार्ट हो चुका है। तो डिक्सन के ऊपर भी हम सभी का नजर आएगा कल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इस पर TCS। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई अकेले शेयर नहीं, पूरा का पूरा एंटायर सेक्टर के अंदर यानी IT सेक्टर के अंदर ही नज़र रखने का रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे दो रीज़न है, एक तो IT सेक्टर बहुत ज़्यादा गिर चुका है लास्ट कुछ समय से, दूसरा लास्ट डे फ्राइडे के दिन दोस्तों जो कि NASDAQ जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टेक सेक्टर या IT सेक्टर लिस्टेड है, NASDAQ के अंदर ऑलमोस्ट 3.5% का तेज़ी देखने को मिला। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर इसके बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया मॉर्निंग पे मार्केट ओपन होने से पहले, डेफिनेटली दोस्तों कल IT सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा तेज़ी होने का चांस है। तो जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ TCS नहीं, जितने भी IT सेक्टर का स्टॉक्स है उसके ऊपर आपका कड़ी नज़र होना चाहिए कल की डेट पे। चलेंगे नेक्स्ट शेयर पे दोस्तों, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। टाटा मोटर्स तो आज की डेट में एकदम गर्मा गर्म न्यूज़ आया, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि टाटा मोटर्स यहाँ पे जो फोर्ट मोटर्स था जो कि ऑलरेडी इंडिया को छोड़ चुका है, उसका जो प्लांट था गुजरात के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो सानंद प्लांट, तो इसको दोस्तों कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया है कौन, टाटा मोटर्स ने, और वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अप्रूवल दे दिया गया। तो बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि देखिए अगर दूसरे कोई कंपनी का प्लांट होता तो टाटा मोटर्स को उसको फिर से आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा जो कि रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता। बट आज की डेट पर अगर हम बात करें फोर्ड मोटर, वो भी एक ऑटो सेक्टर का कंपनी था, टाटा मोटर्स भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी, तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंजेस वगैरह नहीं करना पड़ेगा, एकदम बने बने प्लांट आपको मिल रहा है। डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी की बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो टाटा मोटर्स के ऊपर भी हम सभी का नजर आएगा कल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों रुचि सोया, बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि कल से दोस्तों रुचि सोया आपको ASM लिस्ट की बाहर देखने को मिलेगा। हाँ, अभी अगर आप चेक करोगे BSE की वेबसाइट पे आपको डेफिनेटली ASM लिस्ट में मिलेगा Stage 1 पे, बट कल से दोस्तों ये जो न्यूज़ अपडेट मैं आपको कल भी दे चुका हूँ यस्टरडे के दिन वीडियो में, ASM लिस्ट में बाहर हो जाएगा। और डेफिनेटली दोस्तों रुचि सोया जैसे इंपॉर्टेंट शेयर आप समझ सकते हो कि ASM लिस्ट पे अगर बाहर आ गया ऑब्वियसली इसके अंदर हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल शेयर दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। तो बेसिकली लास्ट डे हमने देखा था एस्ट्रल का क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ था मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, तो बेसिकली जो रिजल्ट आया था उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट भी देखने को मिला। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट एस्ट्रल में कैसी देखने को मिलेगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा, होपफुली उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हो, क्योंकि लास्ट एक महीने में शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है, 17-17.5% की गिरावट, कोई छोटे मोटे गिरावट नहीं। तो डेफिनेटली एस्ट्रल के ऊपर भी आपका नज़र जरूर होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कर रहा हूँ इस वीडियो में, प्लीज़ इसके ऊपर नज़र जरूर रखना। तो वीडियो कहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट है, बाय बाय, जय हिंद।